नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद। कृषि नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूआंवला की खेती के बारे में। हमारे साथ में एक हमारे किसान साथी हैं जो इस खेती के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। आइए उनसे हम बात करते हैं और सबसे पहले हम उनका परिचय लेते हैं। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, मैं ग्राम शहबाजपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी, आप उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं। तो हसीब जी, आपने इस समय जो भूआंवला की खेती की है, तो इसके लिए आपने बीज कहाँ से लिया है? इसके लिए भूआंवला के लिए हमें कंपनी से ही बीज मिलता है और उसके बाद कंपनी ही सब कुछ करती है देखरेख। अच्छा, उसके बाद कंपनी ही करती है। आप सिर्फ इसको उगाते हैं? सिर्फ बीज देते हैं, हम सिर्फ उगाते हैं बस। अच्छा, तो उसके लिए आपको जो जब इसकी बुआई करते हैं तो आपको बुआई किस प्रकार से करनी होती है? आप इसको पौध लगाते हैं या फिर ऐसे ही छिट्टा बो देते हैं? नहीं, बीज क्या बुआई की जाती है, छिट्टा बोया जाता है। छिट्टा बुआई कर देते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके बुआई का टाइम क्या है, तो किस महीने में इसको उगाया जाता है? इसमें ही फरवरी मार्च में एक बार बुआई होती है, उसके बाद तो ये एक बार बुआई होने व कटाई के बाद अपने आप फरवरी मार्च में अपने आप उगता रहता है। इसमें एक के बाद दोबारा नहीं बुआई करनी पड़ती। मतलब एक बार आप इसकी बुआई कर देते हैं तो उसके बाद दो तीन महीने के बाद तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद ये अपने आप से कटता रहता है और उगता रहता अपने आप, उसके बाद कोई बीज नहीं डालना पड़ता। अच्छा, तो हसीब जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जब इसके उगाते हैं इसको भूआंवला को, तो इसमें खाद की कितनी आवश्यकता होती है? इसमें एक बार खाद डाला जाता है, जब पौधा अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें एक बार यूरिया का छिड़काव किया जाता है, डाला जाता है बस। उसके बाद इसमें कोई खाद की वजह से जरूरत नहीं होती, उसके बाद खाद की आवश्यकता नहीं होती। चलिए ठीक है, तो आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा कि इसमें अगर कोई खरपतवार उगाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इसमें अगर कोई पतली पत्ती का उगाता है तो उसमें एजिल डाला जाता है, और अगर कोई दूसरे अन्य खरपतवार आ जाते हैं उसमें क्लीन का प्रयोग करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, क्लीन में वही शायद सल्फो सल्फ्यूर यही सब आते हैं। चलिए अच्छी बात है, तो उससे जो है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस पे भूआंवला पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, भूआंवला पे कोई फसल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वैसे ही हरी भरी रहती बस, वो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो आप इसकी जो है कटाई कितने दिनों के बाद करते हैं? 3 महीने के बाद हो जाती है, 3, 3.5 में 4 महीने तक भी चली जाती है। अच्छा, मिनिमम 3 महीने पे हो जाती है। मिनिमम 3 महीने पे हो जाती है। अच्छा, अगर जो हम बात करें इसके उत्पादन की, तो इसमें आपको प्रति बीघे के हिसाब से कितना उत्पादन मिल जाता इसमें है? इसमें भूआंवले खेती में 3 से 4 क्विंटल पर बीघे का उत्पादन होता है। अच्छा, तो इसके बाद आप इसकी कटाई करके इसको किस प्रकार से तैयार करते हैं? भूआंवला कटाई करने के बाद हम लोग इसको काट के सुखा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरियों भर के कंपनी को ही दे देते हैं, वो यहाँ से खुद ले जाते हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं रहता। अच्छा, वो मतलब आपको घर से ही उठा? हाँ, घर से उठा ले जाते हैं। अच्छा, तो अगर जो इसकी हम बात करें कि इसका आप प्राइस क्या रहता है मार्केट में? ये 3 से 3.5 हज़ार प्रति क्विंटल बिकता है। 3 से 3.5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और बीघे में ये कितने की पैदावार हो जाती है? 3 से 4 क्विंटल। 3 से 4 क्विंटल, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका बीघे में लगभग 10 से 12 हज़ार का मुनाफा हो जाता है। अच्छा, तो हसीब जी मेरा एक क्वेश्चन है कि 10 से 12 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाता है, तो इसमें कुल खर्चा कितना आ जाता है शुरू से अंत तक? एक जो 2 से 3, 4 हज़ार रुपये बीघे का खर्चा आ जाता है। 2 से 3 हज़ार रुपये का? 2 से 3 हज़ार का खर्चा आ जाता है। चलिए अच्छी बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो हसीब जी, अगर आप बात करें इसकी कि आपने ये जो खेती की है, तो इस समय अन्य खेती भी हो रही है, तो उसको आपने नहीं किया, इसको ही क्यों कर लिया है? इसलिए कर लिया क्योंकि कंपनी सब बीज बीज दे देती है, घर से इसको उठा लिया जाती है, जिससे हमें पैसा आसानी से मिल जाता है, मार्केट में भटकना नहीं पड़ता है। आसानी से पैसा मिल जाता है, हमारी फसल भी अच्छी हो जाती है और कम लागत में अच्छी फसल होती है। अच्छा, कम लागत में अच्छी फसल हो जाती है, इसमें ज़्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इस हिसाब से अगर जो हम देखा जाए तो आपको शुद्ध लाभ लगभग 10 से 12 हज़ार हो जाता है। 10 से 12 हज़ार पर बीघे हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो हसीब जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कृषि नेटवर्क से जुड़ने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि नेटवर्क से जुड़ने के लिए आप अभी डाउनलोड कीजिए कृषि नेटवर्क ऐप। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।